है ना उनका विचार बा मोदी के 20 रुपया में बच दुआ मधुर है। नरेंद्र मोदी जी ठेकेदार छूर पूरा विद्यालय बेच दिए। नमस्कार, मैं सरल कुमार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें हैं, जिस तरह से देश भर से ये जो रसोइयाँ हैं, जो महिला जो प्राथमिक विद्यालय होता है गांव में, जो जूनियर विद्यालय होता है, वहाँ पे ये रसोई बनाने के काम करती हैं। इन लोगों की क्या मांग है, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आई हैं आप? भभुआ जिला से आई मानी जा। हमनी के इतने मांगबा कि 12 महीना के हमनी के तनख्वाह चाहता हे नौकरा, बाद में हमनी के ड्रेस चाहता, जैसे आशा लोग के ड्रेस मिल गई कि चिन्हा जा कि चलत जा रोज पड़ता आशा हो जा। तो हमनी के उहे मांगबा कि हमनी के 12 महीना के परमेंट दे दही, आ हमनी के तनख्वाह 12,000 महीना बढ़ा दही। आ हमनी के यही में चैत मैया फिर हमनी के काकाला की ड्रेस दी। और का का मांग बा? ये मांग बा कि हम एकरे पहले तो हम लोग के मिले ला काका, हमनी के मिले ला 1600 रुपया महीना में। आ उहो मिले ला कब कि 5 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए तो 1 महीना के मिली, 200 महीना हो जाए तो 1 महीना के मिली। बचावा हो खाली इतने हमनी के पैसा मिलता। आ हमनी के जाता नहीं जाता, गुरु जी कहता ना कि तनखी झाड़ू लगा दे ऑफिस में, अच्छा वो कह देते हैं तो तनखी भोजन 4 गो गुरु जी के बना दे जा, वो करते हैं जा फिर थरिया मांगते हैं। अलग से जो जानी सब आप लोग खाना बनावे तो गुरु जी लोग के अलग से खाना बनेला, वही में बना ला जा परोस के हमनी के खियाई ला जा, आ 4 गो थरिया डेली गुरु जी के मांझी ला जा बना। अच्छा परोसे में मेहनत बा कि नहीं, ओके माजे में मेहनत फिर ओके धो के गिलास पानी दो, मेहनत है कि नहीं बचा। पानी भी आप लोग देनी जे सब गुरु जी? सब गुरु जी के नहीं, 4 गो डेली खैया गुरु जी, एगो हेड गुरु जी के छोड़ के 4 गो गुरु जी रोज खैया जा। आप कितना घंटा काम करे नी सब? हमनी के 9 बजे जाए, 8 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे आई ना, 9 बजे आई ना जा, 9 बजे जाए ना जा, तो बोड़ा का घंटा भाई 8 घंटा भाई ना, तो 8 घंटा के 50 रुपया अरे 40 से 45 रुपया अथू मजदूरी हमनी के होला, 45 रुपया महीना का हम बात करते हैं, महीना का 1600 महीना का 1645 रुपया एक दिन का, एक दिन का 45 रुपया एक दिन के 45 रुपया। अच्छा, ये जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट करे आयल बानी, विरोध यहाँ करत है सब, कितना लोग बांटे यहाँ, कौने कौने राज्य से आयल बानी? आयल बानी जा भभुआ जिला से, और मोहनिया से, अधौरा जिला से, बिहार से आप सब लोग आयल बानी? बिहार से, विक्रमगंज से आया है। अच्छा माननी, अगर आप लोग के अगर कुछ घटना हो जाता खाना बनाओ समय, गैस पे बनावे नहीं सबे की लकड़ी पे? चूल्हा लकड़ी पे खाना, अच्छा आप लोग खाना बनाओ नहीं, ओकरे बादो जो वहाँ के स्कूल बाटे जो वहाँ से एनजीओ से खाना मंगा के आप लोग के भी अब बंद करत हो कि आप लोग का काम नहीं है? है ना उनका विचार बा मोदी के कि जब एनजीओ खाए देवे लगल तो बंदे ना कल चाहता तो काहे जुड़ते ले दाई चुना ना, काहे ना जुड़ता ही एनजीओ से खाए भेजत रह आप लोग के काहे खातिर लगावल गईले? तो उहे ना बतिया कहता कि जब इहे लगा के क्या है मांग आप? हम लोग की मांग है कि 18,000 रुपया 12 महीना हम लोग काम करते हैं, 10 महीने का मिलता है मानदे, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। अभी 5 महीने से रोक ले है, 1 महीने के डलले है पेमेंट हम लोग के दुर्गा पूजा में, तो एक ही पेमेंट कहाँ से मिलेगा? हम लोग की मिलेगा यहाँ नरेंद्र मोदी तरफ से मिलेगा 600, अब 1,000 देते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के पास पटना में गर्दनी बाग में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम दे दिए हैं, अब जाइए नरेंद्र मोदी जी से मांगिए, इनको पास आते हैं तो ये कुछ बहिरा है, तो है बहिरा सांप थूथूर पड़ा है बिंदास हम लोग। चलिए, तो ये महिला है जिस तरह से कह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी हैं ये रसोई प्राथमिक विद्यालय में बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं,
इनको मोदी जी के द्वारा 600 रुपये महीने का सैलरी तय किया गया है और वहीं राज्य सरकार 1000 रुपये देती है, 1000 देती है राज्य सरकार। तो टोटल इनकी जो सैलरी है वो 1600 रुपया है और एक दिन का मात्र 45 रुपया इनका पड़ रहा है। और आप लोग कितने समय तक काम करती हैं? हम लोग जाते हैं 9 बजे, अब आते हैं 4:45-5:50 में, इतना से कभी कहीं नहीं कम में आते हैं, 50 हो जाता है, कभी 5 बज जाता है। आप लोग से क्या क्या काम करवाया जाता है? हम लोग के जाना है पूरा विद्यालय, ऑफिस विद्यालय खोलना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू पोछा देना है, एक बाद फिर किचन साफ करना है, खाना बनाना है, बच्चा को खिला, बच्चा तो जी लाइटिंग कर देता है उसको साफ करना है, वॉमिटिंग कर दे रहा है उसको साफ करना है। अच्छा, ये जो आप लोग किचन से संबंधित वहाँ पे काम करती हैं, रसोईया का लिए आप लोग को रखा गया है, आप लोग पूरे स्कूल का मैनेजमेंट देखती हैं? पूरा स्कूल के कौन आ रहा है कोई नहीं, अभावक लोग के भी मीटिंग होता है हफ्ता में एक बार, तो अभावक लोग के हो रहा है तो अभावक लोग भी आ रहा है, तो उसमें हम लोग की दौड़ना है, पानी देना है, खाना देना है, ये करना है, वो करना है, इसे करो वैसे करो, नहीं उस पर थोड़ा हम लोग नॉर्मल नहीं रहेंगे तो मास्टर हेडमास्टर दबाव देते हैं कि आप लोग के नौकरी से निकाल देंगे, तो हम लोग के इसी के आधार पर हम लोग की सरकारी हम लोग नहीं ना है, प्राइवेट समझ के सरकार रख ले है, जब हम लोग की 12 महीने के मानदेय नहीं है तो हम लोग सरकारी कहाँ हैं, हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो भी पर डे 500 कमा रहा है, 400 कमा रहा है, हम लोग मात्र 45 रुपये कमा रहे हैं, 45 रुपये में हम लोग के क्या होगा। मांग है आप लोगों की कि हम लोग को भी गवर्नमेंट किया जाए और जो भी 12,000-10,000 रुपया मिला है वो गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग की मांग है कि हम लोग की यही मांग है कि हम लोग के जो 18,000 मांग है से मांग ही पूरा होना चाहिए, उसमें 12 महीना का चाहिए, उसमें पेंशन धारी लागू करे, जो अवशासन दिया है कि से मरला के बाद 4 लाख की जीवन बीमा है आप लोग के, उसका प्रूफ चाहिए, तभी तो हम लोग बढ़े, जब प्रूफ नहीं रहेगा हम मर जाएंगे, मेरा बेटा मेरा पति कहाँ खोजते चलेंगे, किसको से बगैर आधार से मीडिया भैया से पैसा मांगते हैं 4 लाख रुपया, तो कोई देगा? हमको पास प्रूफ रहेगा। कहने का मतलब कि अगर खाना बनाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो वादे सरकार कर रही है 4 लाख का उसका कोई प्रूफ नहीं है आप लोग के पास? लिए कोई प्रूफ नहीं है, यदि हम लोग जल भी जाएंगे मल भी जाएंगे कोई भी प्रूफ नहीं है, 4 लाख के भी प्रूफ नहीं है, तो हम लोग को प्रूफ चाहिए, हम लोग की आधार चाहिए और 12 महीने के चाहिए, हम लोग तो अभी पेमेंट प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं हम लोग। मोदी जी आपकी बात नहीं सुनते तो आगे आप लोग क्या करेंगे? मोदी जी यदि हम लोग की बात नहीं सुनते हैं तो उनको विधानसभा अगला चुनाव विधानसभा आ रहा है ना 2025 में, उसमें इनको फूल माला के बदलाइन में आंगनबाड़ी सहका ममता आशा मैडम सर और रसोईया के साथ क्यों दुर्भाग्य कर रहे हैं? वो भी एक हिस्सा है, हम लोग भी हिस्सा उनको हैं, जहां 1 रुपया है उसमें 8 आना हम लोग की भी हिस्सा है, तो हिस्सा हम लोग जब गार जीवन से बाल बच्चा पैदा लेते हैं माता पिता से तो माता पिता से ना भाग हिस्सा मांगते हैं, 4 घर है, 4 बेटा मेरा है तो एक को तो हम घर देंगे ना, तो देना हक है, तो उसी तरह से भी नरेंद्र मोदी जी यदि एक हिस्सा हम लोग के दे देते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार जी से समझ लेंगे, तो बोल रहे हैं कि पहले जाके वहाँ मांगिए और हम तो दे ही रहे हैं 1,600 रुपया कैसे कौन हिसाब से। नीतीश जी कह रहे हैं कि 1,000 राज्य सरकार दे ही रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से 1,000 है और सेंट्रल गवर्नमेंट से 600 है, 600 है, किस हिसाब से हम लोग की 2 बोरा था देता है 1 बोरा। एनडीएम प्रभारी बोलते हैं हम लोग की हड़ताल पे जाना रहता है पेमेंट के लिए, एनडीएम प्रभारी बोलेंगे कि बीआरसी पर मत भीड़ लगाइए, कोई सूचित नहीं है बीआरसी पर आप लोग के रहने के लिए, न जिला से है न पटना से है न नई दिल्ली से है, कोई सूचित नहीं है, जाइए डिप्टी की नौकरी से निकाल देंगे, हेडमास्टर बोलेंगे आप लोग के अथी है क्या प्रूफ है कि जाइएगा, तो हम लोग की क्यों ऐसा सतेला व्यवहार सरकार कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कम से कम हम लोग के साथ में ऐसा व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। मधुआ मजदूर बना के आप लोग को रखा गया, 40 रुपया में मजदूर मजदूर है, दिन सगरी रहना है, यदि उनको क्या कहें हम लोग तो मैंने कहने लायक भी जब मर्जी आप काम कीजिए जब मर्जी आपको निकाल दिया, सरकारी नहीं है हम लोग प्राइवेट है, जब उसका मर्जी होगा तो हटा देगा, जब मन होगा किसी और के बहाली कर लेगा, हम लोग सरकारी थोड़ी ना है। प्राइवेट में भी नियम कानून है कि आप प्राइवेट में भी सारा चीज आधार ले रहा है तो उसका फोटो कर रहा है तो ये कर, हम लोग के यहाँ पे कुछ नहीं है, जब मन तब रखेगा जब मन तब हटा देगा। डीएम साहब भी यही बात कर रहे हैं, अब डीएम साहब भी यही बात कहते हैं कि आप लोग, हम मास्टर भी यही बोल रहे हैं, हम लोग हड़ताल पर जाते हैं तो प्रधान की कुछ उसमें भूमिका होती है कि नहीं कर रहे हैं
है। प्रधान जी भी करेंगे हटा दीजिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अब नहीं खाना टाइम से बनाती है, चाहे नहीं आती खाना बनाते भी झाड़ू भी लगाते हैं, सारा काम करते हैं, तब बोल रहे हैं कि अब कहीं कुछ नहीं करती है। यानी कि आप लोग की मजबूरियों का फायदा हर व्यक्ति उठा रहा है। को गर्म खाना हम लोग बना के खिलाते थे, नरेंद्र मोदी जी ठेकेदार पूरा विद्यालय बेच दिए, सब एनजीओ में खाना चल गया, तो हम लोग तो मर रहे हैं, खैला भी नहीं मर रहे हैं, एक तो पेमेंट नहीं मिल रहा है, एनजीओ खाना चल गया, उसमें आ रहा है कहीं बासी तेवासी गर्म नहीं, कहीं पिपरी चूटा, कहीं मक्खी, बच्चे खाते नहीं ले जाकर उछील दे। आप लोगों को सवाल ये है कि बार बार धमकियां मिल रही हैं, आप लोग जब जब आप लोग अपने हक और अधिकार की मांग कर रही हैं, तो ग्राम पंचायत डीएम और हेडमास्टर के द्वारा इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। धमकियां निकाल देना, निकाल देने के लिए कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, निकाल देंगे, हाँ निकाल देंगे। आप लोग की संख्या पूरे देश में कितनी है? आप लोग कभी गणना उड़ना किए हैं आप लोग? अरे करने के लिए तो बहुत किए सर, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, 400,000 रसोइया हैं, एक दुगो नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि एक ही संगठन में है, 400,000 से बेसी होगा ना भैया, ऐसे हम रसोइया है उपयोग, हम यूपी के हैं, चंदौली जिला का है, यूपी से है, यूपी से राम राज्य है वहाँ तो, हाँ तो राम राज्य से, वैसे तो मोदी जी नहीं ना बढ़ाते हैं पैसा, मोदी जी हमारे खातिर दम सो गए थे दम, योगी बाबा, योगी बाबा तो कहे ना बोलेंगे, पैसा नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे, योगी बाबा सुन नहीं रहे आप लोग की बात, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन लास्ट आप लोग से हम सवाल कहेंगे, वही मोदी जी हैं, वो कहते हैं नारी शक्ति के लिए हम अपनी जान दे देंगे, नारी शक्ति के लिए तमाम उन्होंने काम किया, बेटी पढ़ाओ कागजी से, हम लोग बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, एक जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, और दूसरा जगह बेटी बहू रोड पर हिरिया रहा है, ना खाने के ठीक है ना पानी के ठीक है, हम लोग किसी के बेटी बहू ना है, तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे हम लोग पढ़ा पाएंगे, हम लोग की बाल बच्चा सरो मैडम के बाल बच्चा एक पढ़ते हैं विद्यालय में, केवल गरीब मजदूर के अब रसोईया, बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, बड़े लोगों के बच्चे कहा सरकारी स्कूल में शौक से पढ़ेंगे, वो कहाँ पढ़ते, हम लोग की पास तो मजबूरी है कि प्राइवेट में, उन लोग के प्राइवेट में पढ़ते हैं तो उन लोग के पास पैसा है, और हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, हम लोग के बाल बच्चा भूखे मरते हैं, अब 1600 रुपये मिलते हैं ओहो में, ई महीना के बाद ऊ महीना तो खाना बच्चा के अटबे नहीं करता है, कपड़ा अटबे नहीं करते हैं, तो पढ़ाएंगे क्या चीज़ से। नरेंद्र मोदी जी यदि मीडिया भैया सोशल मीडिया पर डालते हैं उनको कान तक मेरा आवाज़ पहुँचेगा, तो जितना भोजन एनजीओ थ्रू में दिए हैं रिटायरन हम लोग की आपसी विद्यालय चाहिए, इसके लिए हम लोग उनको से अर्जु प्रार्थना कर रहे हैं अभी अच्छा से कि हम लोग के एनजीओ जो भोजन दिए हैं से रिटर्न दे दीजिए, हम लोग उसी में बनाते हैं बच्चा को गर्म खिलाते हैं, स्वस्थ बच्चा को बनाते हैं, काहे बासी कुसी सड़ल पकल खिला रहे हैं। तो चलिए, ये पूरे देश से महिलाएं आई थी, पूरे देश से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं और ये प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाने का काम करती हैं, और इनको मात्र महीने का 1600 रुपया प्राप्त होता है, एक दिन का 45 रुपया, और इनसे करीब 8.5 घंटे तक काम लिया जाता है, और इनका साफ साफ कहना है कि जो प्राथमिक विद्यालय में हम लोग खाना बना रहे हैं, हमारे साथ अगर कोई घटना घट जा रही तो उसका भी कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, और हमको जो वहाँ के जिस ग्राम सभा का स्कूल होता है, जब हम लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, जब हम लोग हेडमास्टर के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, गांव के ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, तो हमें धमकियां मिलती हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये है इनकी औकात, और ये लगातार ये पूरे राज्य से पूरे देश से लोग बिहार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से ये आकर दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और ये अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि हम भी किसी घर की बेटी हैं, किसी घर की बहू हैं, जो नरेंद्र मोदी जी बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को पृष्ठभूमि से जोड़ने की बात करते हैं, क्या 1600 रुपया में महिलाओं जो महिला है वो पृष्ठभूमि में जुड़ेगी, क्या वो मुख्य धारा में आएंगी, क्या इनके बाल बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाएंगे, और जो इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिनको ये खाना बनाकर खिलाती हैं, वो भी अब जो खाना बनाने की जो प्रावधान था, जो स्थितियाँ थीं,
वो एनजीओ को सौंपा जा रहा है। तो इनकी मांग है कि सौंपल है, सौंप दिया गया है। तो इनकी मांग है साफ साफ कि गरीब के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और हमारे वो घर के बच्चे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उनको खाना बनाकर खिलाएं। एनजीओ कौन सा खाना खिलाएगा जिससे काफ़ी बच्चे बीमार पड़ सकते हैं? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।